वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको नासिक का सबसे फेमस सुला विनयार्ड का ट्रिप देने वाली हूँ और हम इस एपिसोड में टेस्टिंग टूर भी लेंगे और जानेंगे कि वाइन कैसे बनती है। तो चलिए, हमारी कार जस्ट पार्क की, ये उनका पार्किंग एरिया है, बहुत ह्यूज एरिया है और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस पार्किंग एरिया में आम के पेड़ भी लगाए हैं। चलते हैं अंदर, बट उसके पहले हमें यहाँ का पास बाय करना पड़ेगा। आई थिंक बहुत बड़ा ग्रुप आया है तो यहाँ पे लंबा क्यू है पास लेने के लिए, बट वो गए हैं और प्रोटोकॉल सारे फॉलो हो रहे हैं सेफ्टी के, सब ने प्रॉपरली मास्क लगाया है। हमने दो पासेस लिए और उसका पर पर्सन 600 रुपीज़ हुआ है और इसमें ऐसा है कि आप जो भी अंदर चीज़ें लोगे, बाय करोगे या फिर खाओगे, वो इस 600 में से माइनस होगा। हमने जस्ट सुला से एंटर किया और एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखेगा, आई लव सुला, तो वो भी एक फ़ोटो स्पॉट है तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि नासिक मेन सिटी से सुला विनयार्ड का डिस्टेंस जो है वो अराउंड 20 to 25 मिनट्स है। रोड्स का कंडीशन बहुत ही अच्छा है तो आप इजीली यहाँ पे ड्राइव करके आ सकते हो। और फिलहाल सुला का टाइमिंग जो है वो 12 to 4 है और वीकेंड्स पर ये क्लोज रहता है। मेरे ठीक पीछे आप सभी को वाइन की ह्यूज बॉटल्स दिख रही होगी, ये रिसेंटली सुला ने इंस्टॉल की है। ये फ़ोटोज़ निकालने के लिए परफेक्ट स्पॉट है और ये सारे जो वाइन के बॉटल्स है वो उनके सुला के ही वेरिएंट्स हैं। सुला विनयार्ड में दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक कैफ़े है और एक प्रॉपर इटालियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लिटल इटली और कैफ़े का नाम है रसा, जहाँ हम टेस्टिंग टूर होने के बाद जाएंगे। गाइज, आप में से किसी को भी वाइन की डिलीवरी चाहिए तो आपका एड्रेस जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और कौन सा वाइन चाहिए आपको वो भी बता दीजिए, मैं तुरंत ही डिलीवर कर दूंगी। सुला में दो टाइप के टेस्टिंग टूर होते हैं, एक होता है पर्सनलाइज्ड और दूसरा होता है ग्रुप टूर। तो ग्रुप टूर का जो कॉस्टिंग है वो 600 रुपीज़ पर पर्सन है और जो पर्सनलाइज्ड टूर है जो हमने बुक किया है उसका कॉस्ट है 1500 रुपीज़ पर पर्सन। पर्सनलाइज्ड टूर का बेनिफिट ये है कि आप जितना चाहिए उतना टाइम ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप उनको पूछ सकते हो। तो हमने पहले ग्रुप टूर ली हुई थी तो हमने इस टाइम प्रेफर किया पर्सनलाइज्ड टूर लेना। सो गाइज, हमारे पर्सनलाइज्ड टूर की शुरुआत हो चुकी है। वाइन बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है स्टेम रिमूव करना और उसे क्रश करना, जिसके लिए ये मशीन्स यूज़ की जाती है। इस मशीन्स पर क्रश होने के बाद बारी आती है ग्रेप जूस को फर्मेंट करने की। ये इनका फर्मेंटेशन रूम है, यहाँ पर लगभग 110 से भी ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स है। फर्मेंटिंग करने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है और प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 20 से 25 दिन लग जाते। इनके स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है ओक वुड से बना हुआ बैरल्स। इन बैरल्स में बहुत ही छोटे छोटे होल्स है, इन होल्स के वजह से ही माइक्रो क्वांटिटी में ऑक्सीजन पास होता है और हर एक वाइन को डिफरेंट नोट्स ऑफ फ्लेवर्स मिलते हैं। अब हम चलते हैं उसे टेस्ट करने। तो आज हमने टोटल यहाँ पर 6 वैरायटीज़ टेस्ट की वाइन की, जिसमें से 2 रेड वाइन थी, 1 स्पार्कलिंग वाइन और 3 वाइट वाइन थी। यहाँ पर वो आपको टेस्टिंग के सारे स्टेप्स और सही तरीका एक्सप्लेन करते हैं और उसी के साथ साथ कौन सा फूड कौन सी वाइन के साथ पेयर करना है आपको वो भी बताया जाता है। इन 6 वाइन्स में से अगर आप मेरी पर्सनल फेवरेट पूछोगे तो वो है शार्डने। वाइन टेस्टिंग के बाद हमने कुछ समय इस डेक पर बिताया, यहाँ से सुला विनयार्ड का व्यू बहुत ही बेहतरीन है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ स्नैक्स और वाइन अवेलेबल है तो हमें लंच करना था, इसलिए हम लिटिल इटली रेस्टोरेंट जा रहे हैं। हमने जस्ट टेस्टिंग टूर कंप्लीट किया और आई होप आपने भी उतना ही एंजॉय किया रहेगा जितना हमने एंजॉय किया। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, हमें काफ़ी डिटेल्स मिले कि वाइन कैसे एक्चुअल में बनता है। तो अभी हम उसके बाद लंच करने के लिए आए हैं लिटिल इटली रेस्टोरेंट में, बिकॉज इटालियन फूड जो है वो वाइन के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो हमने सोचा कुछ स्नैक्स वगैरह खाने से बेटर हम प्रॉपर इटालियन फूड खाए और उसके साथ वाइन भी पिए। मैंने ग्लास ऑफ शार्डने ऑर्डर किया है जो पूरे वर्ल्ड का फेवरेट वाइन है और ये जैसे आप देख रहे हो ये वाइट वाइन है। मैंने लिया है ये ब्रूट का स्पार्कलिंग वाइन और
हम लोग को अभी जस्ट टूर में समझा कि हर एक स्पार्कलिंग वाइन जो रहता है वो शैम्पेन नहीं होता है, बट हर एक शैम्पेन स्पार्कलिंग वाइन होता है। और उधर मुझे ये समझा कि ये जो है बेसिकली ये खाने से पहले पीने का, तो इसके वजह से एपेटाइट बहुत अच्छे से बढ़ता है। और इसको जो हम लोग यूजुअली ऐसे स्टर करते हैं वो इसको नहीं करना रहता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बबल्स है। लंच हमारा लाइक एवरेज था, मैं रेटिंग दूंगी उसको अराउंड 7 out of 10 बिकॉज पिज्ज़ा टेस्टी था काफ़ी, बट जो पास्ता था उसमें थोड़ा बेटर हो सकता था, सॉस थोड़ा ओवर स्पाइसी नहीं बट बहुत ज़्यादा गार्ली की टेस्ट आ रहा था उसमें, और पास्ता थोड़ा सा अंडर कुक था। हमने उसके साथ साथ 2 wine glasses भी बोले थे, तो हमारा टोटल बिल जो है वो अराउंड 2050 हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप 3-4 लोग हो तो आप वाइन बॉटल ऑर्डर कीजिए इंस्टेड ऑफ ग्लास, बिकॉज वो ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ता है। तो उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। हमने लिया है एक रोज़े वाइन, बिकॉज एक अभी हमने ट्राई नहीं की थी तो हमने एक रोज़े वाइन ली है। इसका पाइंट अवेलेबल था, जो फुल बॉटल है वो अवेलेबल नहीं थी। और इसके साथ साथ हमने बाय किया है सुला का बेस्ट रेड वाइन जो है कैबर्ने सॉविग्नॉन। ये हमने टेस्टिंग रूम में भी ट्राई किया था। इसका टोटल जो है हमारा 2400 हुआ था, बट जो हमने स्टार्टिंग में एंटर करते टाइम पे जो पास के लिए पे किया था 600 rupees per person, वो हमने इसमें से माइनस किया, तो हमें 1200 rupees ही पे करने पड़े। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने आज का ये एपिसोड इन्जॉय किया रहेगा। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो हाफ डे इनफ रहेगा टेस्टिंग टूर से लेके पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस भी है सुला सोर्स और सुला बियॉन्ड। इस एपिसोड में हमने जो टेस्टिंग टूर लिया और जो सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की लंच के साथ और विथ कॉस्टिंग, आई होप आप लोगों को वो सारी चीज़ें हेल्पफुल रही रहेगी। अगर हेल्पफुल रही रहेगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप यहाँ पे आ चुके हो पहले ही तो हमें आपका एक्सपीरियंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बाकी व्यूअर्स के लिए वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। Bye, Wanderers!